सात महापुरुष जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। पहले में चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला था। हनुमान जी के जीवित रहने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में देखे गए थे। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसी के साथ साथ उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता था। चौथे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण है। रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम जी ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अगले महापुरुष हैं अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अगले महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं श्री कृपाचार्य। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान पा लिया। तो ये थे सात महापुरुष जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल क्वेस्ट भक्ति को सब्सक्राइब करें।